हाँ जी, तो एक और नया सुहाना दिन। तो फिलहाल गाइस, अगर आप लोग भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो या फिर गाइस मेरे एक प्यारे व्यूवर हो, तो आप लोगों को पता होगा कि कल था गाइस सैटरडे, और कल गाइस मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था जिसमें गाइस मैंने आप सभी को बताया था कि यार तुम दिल खोल कर भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, सीरियस वाला नहीं, बस ऐसे मजाक वाला कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुम्हारा भाई उसका रिप्लाई करेगा। सो गाइस जितने लोगों ने भी कमेंट करे हैं उन सभी लोगों का थैंक यू सो मच। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के कुछ कॉमेंट्स का आंसर करने वाला हूँ। वो गाइस जो कॉमेंट्स है बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो भी कर लेना, और बस और कुछ नहीं चाहिए। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि गाइस आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। और बस चलते हैं फटाफट से आपके क्वेश्चन और मेरे जवाब की ओर। और अगर गाइस आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो हैशटैग आस्क नमन भाई लगा के। आप गाइस जो कमेंट है यूनिक रहा तो मैं जरूर उसे पिक करूंगा। सो गाइस अब चलते अपने फर्स्ट कमेंट की ओर। जो गाइस फर्स्ट कमेंट निकल के आया है गाइस वो आया है काना अग्रवाल की ओर से। गाइस ये पूछ रहे हैं कि भाई मुझे लाइव स्ट्रीम पर ज़्यादा वॉचिंग लानी है तो मैं किस तरीके से लाऊंगा। तो देखो भाई लोग, इसका सिंपली एक ही सॉल्यूशन है या फिर आंसर है या फिर एक ही तरीका है गाइज, वो है आपके टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल, बस ये मैटर करेगी और कुछ भी नहीं। इसमें गाइज तब तक काम करेगा जब आपका बेस्ट थंबनेल हो, बेस्ट टैग हो, बेस्ट टाइटल हो, बेस्ट गाइज आप लोगों ने बड़े बड़े यूट्यूबर को टैग करा होगा, तो गाइज उससे आपकी ज़्यादा वॉचिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपका थंबनेल बेस्ट रहा तो यार लिटरली यू आर सो लकी, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा वॉचिंग आने वाली है। भाई साहब यहाँ पे गाइज जो सेकेंड कॉमेंट आया है गाइज वो आया है गोडेक्स फाइट की ओर से। भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई आप अपने मम्मी पापा को कब मिलाओगे। तो देखो अभी फिलहाल कोई ऐसा सीन नहीं है, लेकिन मेरा एक टारगेट है गाइस, देखो 10,000 सब्सक्राइबर तो मैं हाल ही में कंप्लीट कर लेंगे मेरे हिसाब से। बट फिर भी अपने जब जैसे ही गाइस 500,000 यानी 500,000 सब्सक्राइबर होंगे तभी गाइस मैं अपने मम्मी पापा को आप लोगों से मिलाऊंगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एच सी गेमर की ओर से। भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई यूट्यूब के आप अपडेट कहाँ से लाते हो, वो भी इंस्टेंट। तो देखो ऐसा सीन नहीं है गाइस, मुझे कुछ लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ नया चेंज आया तो मैं उस पर वीडियोस बना देता हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं बताऊँ कि यार आप लोग जो अपने फटाफट से अपडेट्स इनको कहाँ से निकालो, तेरे कॉमेंट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आया गाइस वो आया मिस्टर टेक ऑल राउंड की ओर से। सॉरी गाइस आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी तो इसे इग्नोर करना। सो गाइस इनका क्वेश्चन है, भाई मेरे चैनल पर दो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है। फर्स्ट गाइस मेरे हिसाब से इनको एक काइन मास्टर पर पड़ी होगी, और दूसरा है गाइस और किसी चीज़ पर, इतना मैं श्योर हूँ। क्योंकि भाई देखो काइन मास्टर पर आप लोगों को स्ट्राइक पड़ती है। वैसे भाई ये बोल रहे कि भाई मैं क्या करूँ, 7 दिन में वीडियो भी नहीं डाल सकता, प्लीज़ हेल्प मी। तो भाई अब आप क्या ही कर सकते हो, आपने गलती कर दी तब सजा भुगतनी पड़ेगी। वैसे भाई वेट करो 7 दिन तक, उसके बाद में अपडेट दो अपने चैनल पर, काम वाम करो, बट इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब गाइज इतना मेरे साथ सीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ आज तक कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वाली सीन नहीं हुआ है। ओके तो गाइज अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आया गाइज वो है अंशु बाबा की ओर से। भाई ये बोल रहे हैं, भाई प्लीज़ शाउट आउट दे दो, आपका बहुत क्या निकल, भाई पुराना सब्सक्राइबर हूँ, प्लीज़ क्वेश्चन ये है कि आप शाउट आउट दे दो बस भाई। तो यार दिल से आपको भाई अंश भाई दिल से शाउट आउट है भाई, मज़े करो, मौज करो, अपने चैनल पर काम करो, और फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आया पीयूष तिवारी की ओर से। भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई आप कब गिव अवे करोगे। सो गाइस इसका कोई एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूँ। देखो आप लोगों को पता होगा जब से गाइस मैंने चैनल ओपन करा है तब से गाइस मैंने सोचा था कि 10,000 सब्सक्राइबर पर एक मैं बड़ा गिव अवे करूँगा लिटरली। तो देखते भाई कब क्या होगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो जल्दी हो जाएंगे, वरना टाइम लग सकता है यार, क्या ही दिक्कत है। और उनका सेकंड क्वेश्चन यही है एक साथ में कि ब्रो आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो। तो देखो भाई लोग मेरा जो मोबाइल का नाम है Realme 3i, मैं इसी से शूट करता हूँ, इसी से एडिट करता हूँ, इसी से अपलोड करता हूँ, जो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये देख रहे हो भाई, इसी मोबाइल से मैं शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ, देन अपलोड करता हूँ। और अगर सोच रहे हो आप भी कि मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है, तो यार मेरे से थोड़ा मोटिवेट ले लो और आप लोग भी काम करना स्टार्ट कर दो। और ये तो फिलहाल दोस्त का है तो इग्नोर मानना।
सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन की ओर। भाई लोग वो क्वेश्चन आया है टेक्निकल वुमन की तरफ से। भाई लोग इन्होंने पूछा है कि भाई आप एक मंथ में कितना अर्न कर लेते हो। तो देखो मैं तुम लोगों को सीधी भाषा में बताऊं तो यार लिटरली मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं अपने चैनल के लिए। देखो पहली बात व्यूज़ कम आते हैं, दूसरी बात मेरा RPM लो है, तीसरी बात अभी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा कम हो रही है, इसलिए गाइस मैं मंथ के तकरीबन ये और ये बस इतने ही कमा पाता हूँ। क्योंकि एग्जैक्ट बताना कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करना जो भी समझो, लेकिन मैं आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं बता सकता, सॉरी गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। सॉरी गाइस आप लोगों को बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी तो यार इग्नोर मारना, मैं कहा ही कर सकता हूँ भाई, मेरे पास कोई सेटअप नहीं है भाई, यहीं पर वीडियो बनाता हूँ, आउटडोर है तो इग्नोर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते गाइस जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग भी अपने गेमिंग चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो 0 सब्सक्राइबर पे तो इस वीडियो को देख सकते हो, और साथ में गाइस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लिटरली यहाँ से कर सकते हो, और उसके साथ में गाइस इस वीडियो को कतई देखना मत भूलना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, कोई भी क्वेश्चन #askNamanbhai लगाकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो लेट्स गेट्स बाय।